राधिका मदान एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर है। वो कलर्स टीवी सोप ओपेरा मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी रणवीर वाघेला की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। वो एक कुशल नर्तकी भी है और उन्होंने झलक दिखला जा में भाग लिया है। यहाँ उनकी विकी, जीवनी, फिल्में और बहुत कुछ है। राधिका मदान का जन्म और पालन पोषण दिल्ली, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली से की और स्नातक की पढ़ाई जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बी कॉम पत्राचार में की। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने 1.5 साल तक कलर्स टीवी के दिल्ली सोप ओपेरा मेरी आशिकी तुमसे ही में अभिनय किया। इनकी राशि वृषभ है। नाम राधिका मदन, पेशा अभिनेत्री। मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी रणवीर वाघेला की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। जन्म तिथि 1 मई 1995। जन्म स्थान पीतमपुरा, दिल्ली, भारत। गृहनगर दिल्ली, भारत। धर्म हिंदू। धर्म जाति खत्री। राष्ट्रीयता भारतीय। राशि चक्र साइन वृषभ। शैक्षिक योग्यता शिक्षा की जानकारी। स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली कॉलेज, विश्वविद्यालय जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। शिक्षा योग्यता बी कॉम पत्राचार। राधिका मदान परिवार, जाति, धर्म और बहुत कुछ। वो काफी संपन्न परिवार से आती है। उनका जन्म व्यवसायी सुजीत मदान और चित्रकार नीरू मदान के घर हुआ था। उनके बड़े भाई अर्जुन मदान नाम के एक कार्यान्वयन डेवलपर है। वो खत्री जाति से संबंध रखती है। सेंटीमीटर में ऊंचाई 157 सेमीमीटर में 1.57 मीटर, फुट इंच में 5.2 किलोग्राम में वजन 50 किग्रा पाउंड में 110 एलबीएस। आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला। आजीविका, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2014 में कलर्स टीवी के शो मेरी आशिकी तुमसे ही से की थी। उसके बाद वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 8वें सीजन में नजर आए। मदन ने विशाल भारद्वाज की पटाखा के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सानिया मल्होत्रा के साथ सह अभिनय किया। बाद में उन्होंने वासन बाला की एक्शन कॉमेडी मर्द को दर्द नहीं होता में अभिनय किया। उन्होंने 2020 में करीना कपूर और इरफान खान के साथ होमी अज्जानिया की कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी मीडियम में मुख्य भूमिका निभाई। अंदर आओ, देखो और वीडियो का आनंद लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके और नए वीडियो के लिए बने रहें। शुक्रिया।